केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। कांवड़ लाने के प्रति जनसामान्य का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, फिर यदि जनप्रतिनिधि भी इस दौड़ में शामिल हो जाएं तो क्या बात है। मिशन 2024 व मोदी को पुनः देश का पीएम बनाने का संकल्प लेकर आज एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज भी कांवड़ लेने के लिए अपने दल बल के साथ हरिद्वार रवाना हो गए। इस मौके पर धर्मेंद्र भारद्वाज ने कहा कि पिछली सरकारों में जहां कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने तक पर भी प्रतिबंध था, वहीं आज योगी व मोदी राज में प्रदेश व देश में राम राज्य स्थापित हुआ है। मोदी तीसरी बार देश के पीएम बने, इस मनोकामना को लेकर कांवड़ लेने जा रहे हैं। इसके तुरंत बाद ही माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने का संकल्प लिया है। इससे पूर्व भाजपा के कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने यह जानकारी दी। कांवड़ का महीना है, सावन का महीना है, बाबा भोलेनाथ की आराधना सभी करते हैं, तो अपनी दल बल सहित अपनी टीम के साथ कांवड़ लेने जा रहे हैं। संकल्प तो इनके मन में होगा, जो उन्होंने लिया होगा किस लिए जा रहे हैं ये, लेकिन हम तो मानने की भगवान की आराधना के लिए जा रहे हैं। वहाँ से जल लाकर यहाँ चढ़ाएंगे, उसके बाद बताया कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर भी जाएंगे ये, तो मैं इन सबका बड़ा अभिनंदन करता हूँ और इनकी सुगत यात्रा की कामना करता हूँ। ये स्वस्थ रहें और स्वस्थ तरीके से मेरठ लौटें और यात्रा इनकी सफल हो, पूर्ण हो। इस मौके पर मौजूद मेरठ महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने यह कहा। देखिए, ये सावन का महीना है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही शुभ दिन होते हैं। पूरा देश, पूरा प्रदेश, महानगर भोले बाबा की भक्ति में डूबा हुआ है और ऐसा मानना है जो सावन के दिनों में भोले बाबा को कांवड़ लेकर, भोले की कांवड़ लेकर आते हैं और भगवान को गंगा जल अर्पित करते हैं, तो एक सबसे बड़ी बात है कि उनका एक तो जीवन सफल हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये इस दिन का इतना बड़ा महत्व होता है इन दिनों का, कि जो भी भक्तों के मन में जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं, मैं समझता हूँ कि लोग इसका इंतज़ार करते हैं सावन के महीने का, और जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो हमारे एमएलसी साहब माननीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी अपने साथियों के साथ भारी संख्या में, हमारे सभी साथी और सीधी बात की अपने कार्यकर्ता सब उनके साथ कांवड़ लेने जा रहे हैं, तो मेरी सबको बहुत शुभकामनाएं और उसके बाद माँ भगवती वैष्णो देवी जी के दर्शन करने ये पूरा ग्रुप जा रहा है। और सावन के महीने में माता के दर्शन भी एक बहुत शुभ माने गए हैं, तो भोले बाबा की कृपा और माँ भगवती की कृपा जब होती है तो मैं समझता हूँ कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन सफल होता है। तो मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हरिद्वार रवाना होने से पूर्व भाजपा एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने फर्स्ट बाइट टीवी को यह जानकारी दी। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को बधाई दूंगा कि 2012 और 17 के बीच का जो टाइम रहा, उस टाइम पे हमारे भोले बाबा जो आते थे कांवड़ लेकर के, उन पर डीजे की प्रतिबंध लगाया गया, उनको परेशान किया गया। आज जो ये प्रदेश में और देश में राम राज की कल्पना हम लोगों ने की थी, आज वो राम राज हमारे देश और प्रदेश में पूर्ण रूप से है। आज हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना हमने की थी, जो हमारी धर्म और संस्कृति विलुप्त हो चुकी थी, वो धर्म और संस्कृति दोबारा से उजागर होकर आई है, जनमानस तक पहुँची है। और सबसे पहले तो मैं अपने राजनीतिक जीवन देने वाले मेरे बड़े भाई हमारे अमित अग्रवाल जी है, मैं उनका आशीर्वाद मेरे मन में था कि सबसे पहले मैं उनका आशीर्वाद लेकर के कांवड़ लेने जाऊंगा। मेरे बड़े भाई आदरणीय हरिकांत जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो हम पूरे दलबल के साथ जा रहे हैं और कांवड़ लेकर के भोले बाबा की, और भोले बाबा के रूप में आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्पित करें। मिशन 2024 माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समर्पण। 14 तारीख की शाम को ही हमारा पूरा जत्था माता वैष्णो देवी जाएगा दर्शन करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समर्पण करने के लिए, भक्ति भाव से माता वैष्णो देवी से
संकल्प करेंगे, आशीर्वाद लेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का सपना पूरा करें और देश में जो हिंदू राष्ट्र और सनातनी धर्म हमारा जो छिपा हुआ था उसको दोबारा से जनमानस तक पहुंचने का काम हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। बाय।